After finishing discussion of DPS number 3, today we'll discuss fourth sheet DPS 4. There are 14 problems in it. फटाफट अपने डाउट्स बोलिए. 11. जो जो प्रॉब्लम आप क्लास में डिस्कस करना चाहते हैं. 11th. ठीक है. After this 11th. 12th. 11th और 12th. 12th और 13. इनफैक्ट 12 और 13 दोनों एक जैसे हैं. हम 13th प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करेंगे. 12th प्रॉब्लम आप एक और बार कर लेना उससे. 9th प्रॉब्लम. ओके. थर्ड प्रॉब्लम नंबर 3rd. ओके. 14th प्रॉब्लम नंबर 14th. After that, eighth. Question number 6. Okay. Sixth. Question number 6th. ठीक है. First we discuss कर देते हैं. In fact, मुझे तो लगता है कि आज का पूरा दिन तो सिर्फ इन पहले 3 सवाल में ही निकल जाएगा. यह 3 सवाल हम पहले करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना समय बचता है, फिर उसके बाद आगे के सवाल देखते हैं, क्योंकि यह 3 प्रॉब्लम सचमुच में बड़े अच्छे सवाल भी हैं और इनमें ढेर सारी चीज सीखने लायक है. इन 3 सवालों को यदि आप अच्छी तरह से समझ गए, इसको करने का तरीका सीख लिए, तो काफी सारे कांसेप्ट, काफी सारे सवाल तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे. चलिए 11th प्रॉब्लम एक बार हम देखते हैं. टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस M1 एंड M2. यह मास M1 है और यह मास M2 है. कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के अ ब्लॉक ऑफ मास M2 इज गिवन अ शार्प इंपल्स so that it acquires a velocity v naught toward right. Find the velocity of center of mass and maximum elongation that the spring will suffer. देखिए, इस प्रॉब्लम को मैं 2 तरीके से करना सिखाऊंगा. पहला तरीका, जैसे हमने बता रखा है कि मैकेनिक्स में हमेशा अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं, पहले मेथड में मैं पूरी तरह से सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल और WPE का कंसेप्ट लगाऊंगा, मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाऊंगा. यह पहला मेथड होगा जो आपको देखने में आसान दिखेगा. डेफिनेटली दैट इज रिलेटिवली इजियर मेथड. मैं इस प्रॉब्लम का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताऊंगा जिसमें कहीं भी मैं वर्क पावर एनर्जी की बात नहीं करूंगा, कहीं पर भी मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की बात नहीं करूंगा. दूसरे मेथड में मैं पूरी तरह से काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की बात करूंगा, न्यूटन्स लॉ और काइनेमेटिक्स. जो आपने WPE से पहले जो भी कुछ फिजिक्स में पढ़ा है, मैं उन सब की चर्चा करूंगा और उनके द्वारा भी दूसरे मेथड से इस प्रॉब्लम को कर दूंगा. वह मेथड आपको हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा, बट दैट इज ऑल्सो अ मेथड. हमें दोनों ही मेथड देखना है, सीखना है और समझना है. सबसे पहले प्रॉब्लम को समझाता हूं कि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है. वी हैव गॉट अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब कि यह सरफेस, इसके ऊपर बॉडी जब रिलेटिव मोशन करेगी तो यह कोई रेजिस्टेंस, कोई अपोजिशन ऑफर नहीं करेगा, कोई भी वहां पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगी. इसके ऊपर जो भी सिस्टम मूव करेगा उस पर एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होगा, उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा जा सकेगा. इस पर 2 मासेस रखे हुए हैं, मास M1 M2, दोनों स्प्रिंग से बंधे हुए हैं.
स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है इनिशियली पूरा सिस्टम मास m1 m2 इनिशियली स्प्रिंग अनएलोंगेटेड है नेचुरल लेंथ पर है ऐसी स्थिति में आपने मास m2 को यू गिवन अ शार्प इंपल्स अभी ये शार्प इंपल्स क्या होता है मैं बताता हूं शार्प इंपल्स मींस जैसे यह एक पार्टिकल है इस पार्टिकल पर मैं एक थ्रस्ट लगाता हूं इस तरीके से मैं इसको हिट करता हूं ये हिट करा मैंने इसको और हिट करने से जब मैंने इस पर थ्रस्ट लगाया तो इस पर इंपल्स लगा मतलब इसका चेंज इन मोमेंटम हुआ इनिशियली यह रेस्ट पर था इंपल्स लगने के बाद इसका कुछ मोमेंटम बढ़ गया इसका मोमेंटम चेंज हो गया इस तरीके से आपने मास m2 को ऐसे हिट कर दिया इस तरह से हिट कर दिया यू हिट इट लाइक दिस ऐसे और जैसे आपने उसको हिट करा तो यह v नॉट वेलोसिटी से मूव होना चालू हो गया और जैसे ही यह मास m2 मूव होना चालू होगा मास m1 तो रेस्ट पर है मास m2 के मूव होने से स्प्रिंग एलोंगेट होने लगेगी स्प्रिंग जब एलोंगेट होने लगेगी तो वह एलोंगेटेड स्प्रिंग पीछे वाले मास को एक्सीलरेट भी करने लगेगी इसकी वेलोसिटी भी बढ़ाने लगेगी और आगे वाले मास को पीछे खींचते हुए उसको डिसीलरेट भी करने लगेगी उसको रोकने भी लगेगी इस तरह से आगे वाले मास की वेलोसिटी कम होती जाएगी और पिछले वाले मास की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी अब जरा सोचिए किसी भी समय पर यह मास m1 और m2 की स्थिति है यह स्प्रिंग जो अपने नेचुरल लेंथ l पर थी इसकी कुछ एलोंगेशन x हो गया है मास m2 v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मास m1 v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी भी स्थिति पर हल्का सा सिस्टम आगे भी बढ़ चुका है तो सबसे पहला पार्ट तो ऐसी आसानी से सॉल्व हो सकता है सबसे पहले पार्ट पे उन्होंने पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो मैं कहता हूं सिस्टम पर थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है हमारा सिस्टम मास m1 भी है मास m2 भी और स्प्रिंग भी है हमारे सिस्टम में मास m1 m2 और स्प्रिंग तीनों ही है इस सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस वजह से इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी जो है वह हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ना तो बढ़नी चाहिए ना ही घटनी चाहिए सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ते जाना चाहिए और इनिशियली जो भी कुछ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी वही थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी अब मैं सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी लिखाऊं इनिशियल यह कंडीशन है इनिशियली मास m1 तो रेस्ट पर है और मास m2 v0 वेलोसिटी से है टोटल मास है m1 प्लस m2 मैंने यह कंसेप्ट लगाया है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मासेस समेशन ऑफ एम आई वी आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इट वुड रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन थ्रू आउट द मोशन यह कॉन्स्टेंट रहेगा आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं थ्रू आउट मोशन क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसलिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए जो इनिशियली थी वो हमेशा रहनी चाहिए यह इंटरमीडिएट कंडीशन पर भी अब इसके बाद जो ने पूछा है द मैक्सिमम एलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर
इस सिचुएशन में स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होएगा? देखिए, इनिशियली स्प्रिंग अन एलोंगेटेड है, यह इनिशियल कंडीशन है और इसमें स्प्रिंग अन एलोंगेटेड है, अन एलोंगेटेड स्प्रिंग। अब जरा आप सोचिए कि स्प्रिंग एलोंगेट हो क्यों रही है, व्हाट इज द रीजन ऑफ एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के एलोंगेट होने की वजह क्या है? स्प्रिंग के एलोंगेट होने की वजह यह है कि मास m2 की पॉजिटिव डायरेक्शन में फाइनाइट वेलोसिटी है, ज्यादा वेलोसिटी है, मास m2 तेजी से भाग रहा है, जबकि मास m1 की मास m1 रेस्ट पर है, इनिशियली रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और इनिशियली मास m1 की वेलोसिटी मास m2 से कम रहेगी और कुछ समय तक वह कम रहेगी, उसके बाद मास m2 की वेलोसिटी कम हो जाएगी और मास m1 की बढ़ने लगेगी। मैं कहता हूं स्प्रिंग तब तक एलोंगेट होगी जब तक आगे वाले मास की वेलोसिटी ज्यादा होगी और पीछे वाले मास की वेलोसिटी कम होगी। स्प्रिंग वुड एलोंगेट टिल V2 इज ग्रेटर देन V1। जरा सोचिए स्प्रिंग का एलोंगेशन कम कब होएगा? एलोंगेशन वुड डिक्रीज यदि आगे वाले मास की वेलोसिटी कम हो जाए और पीछे वाला मास ज्यादा वेलोसिटी से चलने लगे। हम जरा सोचे बॉडीज में डिफॉर्मेशन की भी तो यही कंडीशन थी, जब दो बॉडी टकराती थी तो उनमें डिफॉर्मेशन इसलिए होता था क्योंकि पीछे वाले बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होती थी, आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी कम होती थी, तब डिफॉर्मेशन होता था। इधर स्प्रिंग में एलोंगेशन है तो एलोंगेशन किस वजह से, एलोंगेशन की वजह सोचो, स्प्रिंग एलोंगेट इसलिए हो रही है क्योंकि आगे वाली बॉडी ज्यादा वेलोसिटी से जा रही है। स्प्रिंग वुड एलोंगेट टिल V2 इज ग्रेटर देन V1, जब तक आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तब तक स्प्रिंग में एलोंगेशन बढ़ता ही जाएगा। हम कहते हैं V2 माइनस V1, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, V2 माइनस V1, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, एंड दिस ड्यू टू दिस रिलेटिव वेलोसिटी, आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है, ड्यू टू दिस रिलेटिव वेलोसिटी स्प्रिंग इज गेटिंग एलोंगेटेड। हम कहते हैं दिस रिलेटिव वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू dx बाय dt, द मोर दिस रिलेटिव वेलोसिटी इज, द मोर इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एलोंगेशन, आगे वाली बॉडी जितनी ज्यादा वेलोसिटी से भागेगी विथ रेस्पेक्ट टू बैकवर्ड दिस बॉडी उतनी ही ज्यादा तेजी से स्प्रिंग का एलोंगेशन बढ़ेगा। और यदि यह रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए तो जानते हैं क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी, जब V2 कम हो और V1 ज्यादा हो, तो dx by dt नेगेटिव हो जाएगा, dx by dt नेगेटिव हो जाएगा मतलब एलोंगेशन कम होने लगेगा, एलोंगेशन कम होने लगेगा और कंप्रेशन होने लगेगा। इस इक्वेशन को सबसे पहले समझना होगा। अब मैं कहता हूं वी हैव मैक्सिमम एलोंगेशन इफ डीएक्स बाय डीटी बिकम्स जीरो,
इस कंडीशन को इधर मैं लिखता हूं, वी विल हैव मैक्स एलोंगेशन, स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन हो जाएगा समय के साथ। इनिशियली जो बॉडी टू की वेलोसिटी थी वह वी नॉट थी, समय के साथ यह वी नॉट कम होता जा रहा है, और इनिशियली बॉडी वन वेस्ट पर थी, समय के साथ बॉडी वन की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इनिशियली वी टू माइनस वी वन मैक्सिमम वी नॉट है, समय के साथ रिलेटिव वेलोसिटी कम होएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तब डीएक्स बाय डीटी जीरो हो जाएगा, और जब डीएक्स बाय डीटी जीरो हो जाएगा वी विल हैव मैक्सिमम एलोंगेशन इफ डीएक्स बाय डीटी बिकम जीरो। वी विल हैव मैक्सिमम एलोंगेशन इफ डीएक्स बाय डीटी बिकम जीरो, मींस इफ रिलेटिव वेलोसिटी बिकम्स जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी का जीरो हो जाना मतलब v2 becomes equal to v1, becomes equal to v. v2 और v1 ये सब बराबर हो जाए v के बराबर। This would be the condition of maximum elongation. यह maximum elongation की condition है। We will have maximum elongation if dx by dt becomes 0 or v relative becomes 0. Relative velocity becomes 0. V2 equal to V1 equal to V. अब इस condition को मैं लगाता हूं। इस condition को समझने के बाद मैं दो conservation equation लगाऊंगा, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन और दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन इसलिए लगाऊंगा क्योंकि पूरा सिस्टम को यदि मैंने सिंगल सिस्टम मान लिया, मास m1 m2 और स्प्रिंग, तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, और फ्रिक्शनलेस सर्फेस है इसलिए कहीं कोई एनर्जी का नुकसान भी नहीं हो रहा है, इसलिए एनर्जी भी कंजर्व होना चाहिए। मैं यह दोनों कंजर्वेशन इक्वेशन लगा के पूरे प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर लूंगा। देखिए किस तरह से मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लगा रहा हूं। इनिशियल मोमेंटम इज m1 इंटू जीरो प्लस m2 इंटू वी नॉट, दिस इज इनिशियल मोमेंटम। दिस मस्ट बी मोमेंटम व्हेन वी हैव मैक्सिमम एलोंगेशन। जब मैक्सिमम एलोंगेशन है तब भी सिस्टम का यही मोमेंटम होना चाहिए, मास m1 की वेलोसिटी v और मास m2 की भी वेलोसिटी v, दिस इज द टोटल मोमेंटम। मैक्सिमम एलोंगेशन के समय दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी m2 v0 अपॉन m1 प्लस m2, इन फैक्ट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दोनों पार्टिकल उसी वेलोसिटी से मूव करेंगे जो जिस वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा जब मैक्सिमम एलोंगेशन होएगा। यह मैंने लिखा है बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन से हमने यह इक्वेशन लिखी है। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लगाता हूं। एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन में मैं क्या कहूंगा, इनिशियली सिस्टम के पास कौन कौन सी एनर्जी है। इनिशियली सिस्टम के पास स्प्रिंग तो कोई एलोंगेटेड है ही नहीं, स्प्रिंग के पास किसी तरह की एनर्जी नहीं है, स्प्रिंग ना एलोंगेटेड है ना कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग के पास कोई एनर्जी नहीं। एम वन रेस्ट पर है, एम वन के पास भी कोई एनर्जी नहीं क्योंकि रेस्ट पर है। एम टू के पास कुछ एनर्जी है क्योंकि इसकी कुछ वेलोसिटी है वी नॉट। तो मास m2 के पास हाफ m2 v0 स्क्वायर यह एनर्जी है, दिस इज द इनिशियल एनर्जी। मैं कहता हूं दिस मस्ट बी
energy at any time during the motion. Throughout the motion, पूरे सिस्टम की यही एनर्जी रहनी चाहिए, इसके बराबर रहनी चाहिए. अब थ्रूआउट द मोशन जब मैक्सिमम एलोंगेशन है, तो मास m1 भी कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मास m2 भी कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मास m1 के पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, मास m2 के पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है. इसके अलावा स्प्रिंग भी एलोंगेटेड है, तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है. मास m1 के पास एनर्जी है हाफ m1 v स्क्वायर, मास m2 के पास एनर्जी है हाफ m2 v स्क्वायर प्लस हाफ k x max स्क्वायर. थ्रूआउट हम हाफ काट दें, m2 v नॉट स्क्वायर, m1 प्लस m2 और v स्क्वायर की जगह मैं ऊपर एक्सप्रेशन लिख देता हूं m2 v0 बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस k x max स्क्वायर. वन कैन इजिली सॉल्व दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू गेट द आंसर. m2 v naught square minus m2 square v naught square by m1 plus m2 is equal to kx max square. क्या immediately इस equation को solve करके आप मुझे x max की value बता देंगे? Somebody please solve it and tell me what would be the value of maximum elongation on solving this. This is the first method to solve the problem. इस पूरे problem को solve करते समय हमने सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखने में तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आई, क्योंकि सीधे सीधे ये डेफिनेशन लगाई और फिर हमने कह दिया क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन. इसके बाद मैक्सिमम एलोंगेशन निकालने के लिए हमने सबसे पहले तो यह समझा कि स्प्रिंग में एलोंगेशन हो क्यों रहा है, स्प्रिंग एलोंगेट होने की वजह को समझा और तब तक स्प्रिंग एलोंगेट होगी यह बात को समझा और स्प्रिंग की एलोंगेशन को हमने मैथमेटिकली पार्टिकल्स की वेलोसिटी के साथ में रिलेट करा, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग किस तरह से एलोंगेशन वेरी करेगा, हमने यह इक्वेशन लिखी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये जो इधर लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. आप यह मत सोचिए कि यह इस प्रॉब्लम के लिए कंसेप्ट है, इस तरह के कंसेप्ट जगह जगह पर लगाने पड़ते हैं. जैसे हमने जो करा था कि दो बॉडीज जब कोलाइड होती हैं तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन भी हमने कुछ इसी तरह से सोची थी. इस तरह की बात सोचना दैट इज अ रियल चैलेंज. यदि इस तरह की बात आप सोचना सीख गए आईआईटी जेई और एआई ट्रिपल ई में आप टॉप 1000 टॉप 100 वाले प्राणी हो गए खुद से यदि सोचने लग गए. फिर इसके बाद में यह स्प्रिंग के एलोंगेशन की वजह समझने के बाद उसको मैथमेटिकली रिलेट करने के बाद हमने मैक्स एलोंगेशन की कंडीशन लिखी. कोई सी भी चीज मैक्सिमम तब होती है जब उसका डी बाई डीटी जीरो होता है. मैक्स एलोंगेशन के समय डीएक्स बाई डीटी जीरो, वी रिलेटिव जीरो, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटीज वी और इस समय जो एलोंगेशन है वह मैक्सिमम एक्स एस एक्स मैक्स.
यह कंडीशन हमने सबसे पहले समझ ली। अब इसके बाद हमने दो कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करे, हमने कहा एक तो मोमेंटम कंजर्व होगा और एक एनर्जी कंजर्व होगी। मोमेंटम कंजर्व इसलिए होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर कर दिया, और इससे हमने जब मैक्सिमम एलोंगेशन है उस समय पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिटरमाइन कर ली, दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिटरमाइन कर ली। फिर हमने कहा एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि एनर्जी का कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इनिशियल सिस्टम की जो एनर्जी है उसको फाइनल सिस्टम की एनर्जी के साथ में इक्वेट कर दिया, और इस तरीके से हमने इक्वेशन को सॉल्व करके, क्या किसी ने सॉल्व कर लिया मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए एक्सप्रेशन? हाँ बोलो, पीछे से देख कर लिख दूं क्या? वैसे तो मेरे पास भी दिया हुआ है। कौन सा प्रॉब्लम है? 11th। ऑन सॉल्विंग यू शुड गेट दिस एक्सप्रेशन, वी नॉट अंडर रूट ऑफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू के। अब खास बात, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक अल्टरनेटिव कंसेप्ट, एक अल्टरनेटिव अप्रोच बताना चाहता हूं, जस्ट बिकॉज कि उस ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट को बताने से ढेर सारे और भी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि मैकेनिक्स क्यूमुलेटिव नेचर की है, जो भी कुछ आपने मोशन इन वन डी से लेकर न्यूटन्स लॉ तक पढ़ा वो सारी चीजें एक तरीके से आप दोबारा पढ़ते हो जब आप WPE और मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ते हो, दोबारा सारी चीज रिपीट कर। मोमेंटम कंजर्वेशन और WPE से हमें हर प्रॉब्लम को करने का एक अल्टरनेटिव मेथड मिल जाता है, और वह जो अल्टरनेटिव मेथड होता है ज्यादा इजी होता है, जो कि मैंने अभी भी बताया। अब इसी